लोकसभा चुनाव में आप सभी की दिलचस्पी जिस चीज में है, आज आपको उसके बारे में ही हम जानकारी देने जा रहे हैं। मेरा नाम है साहिल नकवी और आप देख रहे हैं INN चैनल। दरअसल इस लोकसभा में आप जानना चाहते हैं कि कितने मुसलमान हैं जो इस बार लोकसभा में जीत कर पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको पिछली लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा का आंकड़ा बताते हैं कि कितने मुसलमान 17वीं लोकसभा में पहुंचे थे जीत कर। 17वीं लोकसभा में 115 मुसलमानों को टिकट दिए गए थे, उम्मीदवार बनाया गया था और उसमें से 27 मुसलमानों ने जीत दर्ज कराई थी और लोकसभा में पहुंचे थे। इस बार कितने मुसलमान लोकसभा में पहुंचे हैं आपको ये भी बताएंगे और इस वीडियो में उन सभी के नाम आपको विस्तार से बताएंगे कि कहां किस सीट पर किस मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई है। इस मरतबा पिछली बार के मुकाबले सिर्फ 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा गया था, जिसमें से तकरीबन 24 उम्मीदवारों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कराई है। अब आपको उन सभी के नाम विस्तार से बताते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केराना सीट से। केराना से इकरा हसन ने बेहतरीन जीत दर्ज कराई है। उसके अलावा मुहिबुल्ला नदवी जो कि रामपुर से थे, उन्होंने बेहतरीन जीत दर्ज कराई है। जियाउर रहमान बर्क संभल से, जियाउर रहमान बर्क में जीत दर्ज कराई है। अफजाल अंसारी गाजीपुर से इन्होंने जीत दर्ज की है। इमरान मसूद सहारनपुर से जीत दर्ज की है। तारिक अनवर कटिहार से जीत दर्ज की है। खलीलुर रहमान जंगीपुर, इन्होंने जीत दर्ज की है। यूसुफ पठान जो की क्रिकेटर है, बेहतरीन क्रिकेटर यूसुफ पठान इस बार चुनावी पिच पर उतरे थे और यहां भी इन्होंने बेहतरीन बैटिंग की, बेहतरीन प्रदर्शन किया। यूसुफ पठान ने बहरामपुर से जीत दर्ज कराई है। अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद से जीते हैं। एस के नूरुल इस्लाम बसीरहाट से जीते हैं। सजदा अहमद उनुबेरिया से जीते हैं। ईशा खान चौधरी मलाहाबाद दक्षिण से जीते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जीत दर्ज कराई है। असदुद्दीन ओवैसी की सीट के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की माधवी लता जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, उन्होंने किस तरह से मस्जिद के सामने खड़े होकर तीर कमान का मुजाहिरा किया था और तीर अपने हाथों से किस तरह से वो चला रही थी, वो दिखा रही थी कि मस्जिद की तरफ किस तरह निशाना लगाया जाएगा अगर उन्हें जिताया जाता है। लेकिन जनता ने एक बार फिर से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर ही भरोसा जताया। आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी श्रीनगर से जीते हैं। मियां अल्ताफ अहमद अनंतनाग रजौरी से जीते हैं। इंजीनियर राशिद शेख बारामूला से जीते हैं। मोहम्मद जावेद किशनगंज से सांसद बने हैं। रकीबुल हुसैन धुबरी से सांसद है। शफी परमबिन वटकरा से जीत दर्ज कराई है। ईटी मोहम्मद बशीर मल्लमपुरम से जीते हैं। डॉक्टर अब्दुल समद समदानी पोनन्नानी से जीत दर्ज कराई है। मोहम्मद हनीफ लद्दाख से जीते हैं। मोहम्मद हमदुल्ला सईद लक्षद्वीप से जीत दर्ज कराई है और इसके अलावा कानी के नवास ने भी जीत दर्ज कराई है। तो ये वो मुस्लिम उम्मीदवार थे जिनको मैदान में उतारा गया था। इनके अलावा कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवार इस बार मैदान में उतारे गए थे, जिसमें से इन 24 मुस्लिम उम्मीदवारों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कराई है और इस बार लोकसभा में आपको ये 24 मुस्लिम चेहरे नजर आएंगे। शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी हर खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए।